स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। 2022 की ये मेरी पहली वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से गनगनी, जो कि कलकत्ता से करीब 130-140 किलोमीटर दूर है। सफ़र रहेगा करीब 3 से 4 घंटे, और इस बार मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहा, इस बार मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहना, क्योंकि गाड़ी से जाने का कितना कॉस्ट रहेगा, रास्ते कैसे हैं, कौन कौन सी टूरिस्ट स्पॉट खुली हुई हैं, सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और चलिए अब फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45। तो आज मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरे दोस्त जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त को लूँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा गनगनी के लिए। सुबह सुबह निकलने का एक फ़ायदा ये है कि आपको रास्ते पूरे खाली दिखते हैं, और खाली रास्ते में आप जल्दी जल्दी आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से गनगनी पहुंचने के, कलकत्ता से गनगनी पहुंचने के लिए दो रास्ते दिखाती हैं गूगल में। एक है आपका खड़गपुर होके और दूसरा है आरामबाग होके। तो मेरे को अब सुबह सुबह गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं आरामबाग वाले रास्ते से ही जाऊँगा। पतली वाली सड़क है, इसीलिए नींद आने के भी चांसेस कम रहते हैं। सुबह सुबह जिनको आदत है उनका तो चलो ठीक है, जिनका आदत नहीं है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, नींद आने का डर रहता है। अभी टैंक फुल करा रहे हैं, और टैंक फुल करा के फिर यहीं पे हम लोग आएंगे और आके देखेंगे कि कितने लीटर्स पेट्रोल लगा और कितना कॉस्टिंग आया। तो अभी पेट्रोल मैंने पूरा ले लिया है, टैंक फुल करा लिया। अभी इस ट्रिप को मैं ज़ीरो करता हूँ। अब ठीक, हम लोग घूम के आके फिर यहीं पे आके पेट्रोल लेंगे, और पेट्रोल लेके फिर देखेंगे कितने लीटर आई और कितना हमारा कॉस्टिंग पड़ा। तो यहाँ से हम लोग अब आरामबाग वाली रास्ता लेंगे, अब 4 घंटे यहाँ से पहुँचना है। अभी एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारी गाड़ी की जो फास्ट टैग है वो 2 साल पहले हम लोगों ने ली थी, और 2 साल तक यूज़ नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम यूज़ होगा। तो अब बस देखना है कि ये फास्ट टैग बस काम कर जाए, वरना डबल टोल देनी है। पहुंच गए हमारे सफ़र का ये पहला टोल, इसी में खड़ा होता हूँ। कार 50 रुपीस। हाँ रोक दो, काम कर गया? हाँ बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। निकल गए। नहीं, मेरे को डर था कि 2 साल पहले ये टैग लिया था और अभी तक यूज़ नहीं हुआ था। खैर अच्छा है, यानी काम कर रहा है टैग। ये लेफ्ट वाली सड़क सीधा आपका आरामबाग की ओर जाती है, डानकुनी स्टेशन होते हुए। अब ये वाली सड़क थोड़ी पतली है, तो सुबह के लिए चलो ठीक है। मैंने पहले ही कहा है, जिनको आदत नहीं है सुबह मॉर्निंग ड्राइव की, उनके लिए ये वाली सड़क अच्छी है। थोड़ा टाइम अगर आपका ज़्यादा भी लगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं गढ़बेता, और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और यहाँ से करीब
20 से आधा घंटा अभी लगेगा गनगनी पहुंचने के लिए। बस जल्दी पहुंचता हूं। ये रही गनगनी की बोर्ड, यहाँ पे रख लेते हैं हेडफोन। पहुंच गए हम लोग गनगनी और अभी टाइम हो रहा है 11:10, 11:15 बज रहे हैं। आपने काफ़ी सारी टूरिस्ट आई हैं। गाड़ी कहाँ लगाऊं? पहुंच गया हूँ गनगनी। तो ये रही यहाँ पे कैनियन और इसी को कहते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे अच्छा ही है। अब नीचे जाना है, यहाँ से गाड़ी वहाँ पार्क की है और यहाँ से जाना पड़ेगा नीचे। ऐसी सीढ़ियों से नीचे जाना है। अच्छा है, आज संडे है और बहुत लोग आए हैं। ओके, थोड़ा हम लोग 6:30 बजे स्टार्ट किए ना, 11 अभी बज रहा है, 11:15, 5 घंटे करीब। कैनियंस बनने के पीछे का कारण है सॉयल इरोशन की वजह से। जब कोई नदी बहुत तीखी मोड़ घूमती है तो उस जगह पे पानी के बहाव से उस जो मोड़ है दोनों साइड, रिवर के दोनों साइड काफ़ी प्रेशर बनता है। तो उस पानी के प्रेशर की वजह से मिट्टी जो है सरकने लगती है, रिवर बैंक्स या नदी के किनारे जो मिट्टी होती है वो सरकने लगती है। और ऐसे ही मिट्टी सरकते सरकते फिर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसको बनने में, मतलब कोई भी कैनियन को बनने में कई 100,000 साल लग जाते हैं। इस कैनियन का भी मुझे पता नहीं। यहाँ पे सामने देखिए शीलावती नदी है। तो अगर आप गूगल मैप में भी अगर देखेंगे तो आप देखना कि नदी इस जगह पे काफ़ी तीखी मोड़ घूम रही है, क्योंकि वो नदी वहाँ है, वहाँ से ऐसे टर्न लेते हुए फिर इस साइड भी टर्न ले रही है। तो इसलिए इस जगह पे कैनियन बनना जायज़ बात है। तो फाइनली अब गनगनी घूमना हो गया है और अभी हम लोग गनगनी से निकल रहे हैं। अभी 1 बज रहा है, तो करीब 2 घंटा लगा पूरा ये कैनियन घूमने के लिए। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से भी आपको व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। अभी हम लोग यहाँ से एक एयर स्ट्रिप देखने जा रहे हैं। मैं 2 दिन पहले इस जगह के ऊपर थोड़ा सर्च कर रहा था तो मुझे यहाँ पे मैप में एक जगह पे एक एयरपोर्ट का एक लोगो दिखा। मुझे लगा कि यहाँ पे आसपास कोई एयरपोर्ट है क्या, जंगल में कहाँ एयरपोर्ट होगा। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं, यहाँ पे एक एयर स्ट्रिप है, एबंडन एयर स्ट्रिप। तो वहीं जा रहे हैं देखने। यहाँ के रास्ते एकदम काफ़ी सही हैं। और यहाँ पे मैं एक बोर्ड देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था
एलिफेंट कॉरिडोर, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको स्पीड नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड जंगल हैं और जंगल से हाथी कभी भी निकल सकते हैं। यहाँ पे अब रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो अभी बस मैप के सहारे हम लोग जा रहे हैं, बस ठीक ठाक पहुँच जाए वही अच्छा है। अभी 1:30 बज रहे हैं और ये एयर स्ट्रिप में पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली दो रनवे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन रनवेज का इस्तेमाल मैंने गूगल में देखा है, World War II के टाइम पे यूज़ होती थी, तो सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए इस रनवे को यूज़ किया जाता था। वैसे जंगल में कौन एयरपोर्ट बनाएगा, अच्छा है और बहुत लंबी है ये रनवे। अभी हम लोग इस रनवे का एक चक्कर लगा रहे हैं, वो लास्ट एंड तक जाएंगे फिर वहाँ से वापस आएंगे। एबंडन एयरफील्ड देखा हम लोगों ने और ये एक एबंडन टोल प्लाजा, अच्छा है। लेकिन और एक एयरफील्ड है जो हम लोगों ने मिस किया है, तो कभी बाद में हम लोगों को समय मिलेगा तो फिर से चले आएंगे, क्या है वो दिखाना बाकी रह गया। मुझे लगा कि ये खड़गपुर वाले रास्ते में ही वो पड़ती है, लेकिन एक्चुअली वो पीछे थी, बांकुड़ा साइड है, बिष्णुपुर साइड है सॉरी। तो कभी उस साइड जाना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग टैंक फुल करा रहे हैं और अब देखता हूँ कितना लीटर आता है। तो अब हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ 329 किलोमीटर्स और पेट्रोल आया 17 लीटर और पेट्रोल का कॉस्ट हुआ 1800 रुपये। इस रूट में जाते वक्त तो मैं आरामबाग से गया और वापस आते वक्त खड़गपुर होते हुए, खड़गपुर कोलाघाट होते हुए मैं वापस आया, तो सफ़र काफ़ी अच्छा ही था। और रोड कंडीशन तो आपने देख ही ली है, आरामबाग वाली भी आपने रोड कंडीशन देखी, कुछ कुछ जगह पे थोड़ी ख़राब है, सड़कें ख़राब है, मतलब ओवरऑल चलो ठीक है। वैसे ट्रेन्स तो अवेलेबल हैं, ट्रेन्स बस सब कुछ अवेलेबल है। ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो गरबेता स्टेशन आपको जाना है। तो चलिए अब ये ट्रिप तो ख़त्म, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कीजिए, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगा किसी फिर नए जगह।